चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव में 400 बल्ब दिए गए हैं और 400 बल्ब पर नहीं कितने बल्ब कितने घंटे चलते हैं उसका डेटा अपने को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 से 2000 घंटे चले हो ऐसे कितने बल्ब है, 14 बल्ब है। ठीक है, 2000 से 2500 घंटे चले हो ऐसे कितने बल्ब है, 56 है। ठीक है, और 2500 से लेकर 3000 घंटे बल्ब चले हो ऐसे कितने बल्ब है, 60 बल्ब है। ठीक है, 3000 से 3500 चले हो ऐसे कितने हैं, 86। ठीक है, 3500 से 4000 चले हो ऐसे कितने हैं, 74। ठीक है, ऐसे ही 4000 से 4500 ऐसे कितने हैं, 62। ठीक है, 4500 से लेके 5000 चले हो ऐसे कितने हैं, 48। ठीक है, तो यहाँ पर 400 बल्ब की डेटा अपने को दिया गया है और बोला है इसका क्या निकालने को, मीडियन निकालने को बोला। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो भी यहाँ पर अपने को फ्रीक्वेंसी दी है उस फ्रीक्वेंसी का यूज करके अपने क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो है 14 है, 14 को यहाँ पर रखो। ठीक है, फिर ये इसका इसमें प्लस करो, जो इसका आंसर आ फिर इसको इससे प्लस करो, यानी क्रॉस में प्लस करते जाओ। ठीक है, तो 14 में 56 प्लस करो कितना आएगा, 14 और 56 होगा 70। ठीक है, अब 70 में 60 प्लस करो कितना आएगा, तो 6 6 12 और 1 13, 130। ठीक है, ऐसे ही अब 130 में 86 को प्लस करो कितना आएगा, तो 216 कितना आएगा, 216। ऐसे ही 74 में 216 को प्लस करो कितना आएगा, तो 290। हाँ, यहाँ पर 16 इसको दे दो 90 हो जाएगा और 290। ठीक है, अब ऐसे ही 62 को 290 में प्लस करो। ठीक है, तो 262 में 290 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 का 2 तो आएगा 352। ठीक है, ऐसे ही 352 में 48 को प्लस करो कितना आएगा, 400। ठीक है, चलो तो अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, 14 को 14 रखो फिर ऐसे क्रॉस में प्लस करते जाओ, इसको इसको इससे प्लस करो तो 70 आएगा, फिर 60 को 70 प्लस करो तो 130 आएगा, फिर 130 को 86 प्लस करो तो 216 आएगा, फिर ऐसे इसको प्लस करो तो 290, फिर ऐसे क्रॉस में प्लस करते जाओ। ठीक है, आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 400 आया तो यहाँ पर 400 आना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर जो प्लस आपने किया सही राइट है, नहीं तो फिर रॉन्ग है। ठीक है, अगर यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 400 है, तो यहाँ पर 400 नहीं आ रहा है, तो आपको सम फिर से करने का। ठीक है, चलो तो इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, चलो अब क्या करने का, अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई तो अपने को एक सीएफ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अपने जो भी अपने को एन दिया है उसका एन बाई टू निकालेंगे, तो एन बाई टू, एन की जगह 400 अपॉन में 2 तो आया कितना, कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो अपना एन बाई टू 200 आया, तो एन बाई टू का ही यूज़ करके अपने क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, देखो 200 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो 200 या 200 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 200 या 200 से ज़्यादा, 130 कम है, ये रहा 200 या 200 से ज़्यादा बोला तो यानी ये। ठीक है, यानी इतना भी ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, लाइन से जाने का, लाइन से देखने का, यानी 200 मिले तो 200 से ज़्यादा, तो लाइन से अपने को ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना मीडियम क्लास देगा। ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ से इस पर क्या करो, सर्कल बना दो ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपना सी एफ हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, इसका सी एफ, ये सी एफ नहीं होगा। ठीक है, ये अपना सी एफ नहीं होगा, ऊपर वाला सी एफ होगा। ठीक है, तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टेक करना नहीं। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, अपना एफ हो जाएगा, और ये अपना क्या होगा, एल होगा, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपना एच हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सम बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको खाली यानी कि इसको करना कैसे, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर आपको मेथड पता है तो आपको आंसर ईजीली आएगा। ठीक है, चलो तो अपने जो जो चीज़ें मिली है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो एन, तो एन बाई टू मैंने लिख लिया। आप सी एफ अपना कितना है, सी एफ है अपना 130। ठीक है, उसके बाद एफ अपना कितना है, एफ एफ है अपना 86। उसके बाद अपना एल कितना है, एल है 3000। ठीक है, एच अपना कितना है, दोनों के बीच का गैप कितने का है, तो 500 का गैप है। ठीक है, देखो यहाँ 500 का गैप है ना, देखो 3500 में से 3000 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, तो अपना जितना आप लोगों को चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल गया, खाली वैल्यू रखो और अपना मिड निकालो। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, चलो एल की जगह क्या लिखेंगे, अपने 3000 लिखेंगे, प्लस एन बाई टू अपना कितना आया,
एन बाई टू आया 200 और सी एफ कितना है अपना 130 अपॉन में एफ कितना है अपना एफ 86 इंटू एच एच अपना कितना है 500। ठीक है चलो 3000 प्लस 200 में से 130 को माइनस करेंगे तो आएगा 70 अपॉन में 86 इंटू 500। ओके 3000 प्लस अब क्या करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 35 1230 तो यहाँ पर आएगा 30 अपॉन में 86। ठीक है अब क्या करेंगे ये दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है तो ये दोनों को डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा ये दोनों को डिवाइड करने पे आंसर है आपको डिवाइड आप खुद से कर लेना। ठीक है मैंने डिवाइड पहले से कर लिया है तो मुझे पता है कितना आने वाला है 406.976 इसका आंसर आएगा। ठीक है आप डिवाइड कर लेना टाइम बचे अपने इसलिए मैंने डिवाइड में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है डिवाइड तो आपको आता ही होगा। ठीक है आप कर सकते हो। ठीक है अब ये दोनों को प्लस करो तो क्या होगा 3406.976। ठीक है पॉइंट वाला प्लस कैसे करने का मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है 3000 यहाँ पर लिखा आपने। ठीक है फिर पॉइंट लगाओ नीचे ही पॉइंट लगाओ पॉइंट के पहले क्या है पॉइंट के पहले 406 है उसके बाद क्या है 976 है ऊपर 00 ले लो। ठीक है और प्लस करो 6 का 6 79.6 0 में 0 प्लस 0 044 और 3। ठीक है तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है मीडियन का। ठीक है पांचवा सवाल बहुत इजी है। ठीक है अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है नंबर 6 में क्या दिया गया है कि कोई लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी है वहाँ से 100 सरनेमों को लिया गया है। ठीक है जो इस टेबल में यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है तो मतलब यानी एक से लेके चार लेटर हो ऐसे कितने सरनेम है 6 चार से लेके सात हो ऐसे कितने हैं 30 सरनेम है। ठीक है 7 से लेके 10 हो ऐसे कितने हैं 40। ठीक है 10 से लेके 13 हो इतने ऐसे कितने हैं 16 13 से लेके 16 हो ऐसे कितने हैं 4 16 से लेके 19 हो ऐसे कितने हैं 4 सरनेम है। ठीक है अब इसमें क्या निकालने को बोला है इसके अंदर बोला है मीडियन निकालने को। ठीक है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बहुत ही आसान है। ठीक है तो क्या करने का सबसे पहले 6 है तो 6 को यहाँ 6 लिखो। ठीक है फिर उसके बाद इसको इस पे प्लस करो। ठीक है क्रॉस पे प्लस करने का। ठीक है चलो तो 30 और 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा फिर ऐसे ही 40 और 36 को प्लस करो तो 40 और 30 हो जाएगा 70 और ये 6 बचेगा तो 76 ऐसे ही 16 और 76 को प्लस करो तो 6 और 6 12 वन कह रही तो 7 और 1 8 और 1 9 92 आया। अब 92 में 4 को प्लस करो तो 96 और 96 में 4 प्लस करो तो 100। ठीक है और यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ टोटल 100 कितना दिया है अपने 100 दिया ही यहाँ पर। ठीक है तो अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 आना चाहिए नहीं आ रहा है तो आपका सम रॉन्ग है। ठीक है फिर से वापस करो। ठीक है अगर कभी भी ऐसा हो रहा है तो। ठीक है चलो तो अपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब अपने को क्या करना है अपने को इसके अंदर सी एफ कौन सा है वो ढूंढना है। ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो भी अपना एन है उसका हाफ करना पड़ेगा पहले तो एन बाई टू निकालना पड़ेगा। तो एन बाई टू कैसे निकालेंगे एन बाई टू तो एन की वैल्यू कितनी 100 अपॉन में 2 इसको डिवाइड करो तो कितना मिलेगा एन बाई टू अपना एन बाई टू मिलेगा 50। अब यहाँ पर एन बाई टू मिला तो एन बाई टू के बेस पे अपने सी एफ ढूंढेंगे तो क्या करेगा यहाँ पर 50 आया तो सी एफ के अंदर देखो 50 या 50 से ज़्यादा ऊपर से करो ये 6 50 से कम है ये भी 50 से कम है ये रहा 50 से ज़्यादा। ठीक है 50 या 50 से ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है 36 तो 50 से कम है तो अपने किसको लेना पड़ेगा 76 को लेना पड़ेगा। ठीक है तो 76 पे क्या कर दो आप ये अपना क्या है मीडियन क्लास है। ठीक है मीडियन क्लास है ये। ठीक है अब मीडियन क्लास के ऊपर अपने क्या करो इसे बॉक्स ऐसा बना लो। ठीक है तो ये जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा अपना ये सी एफ होगा। ठीक है ये क्या होगा अपना सी एफ। अब इसके जस्ट सामने वाला अपना एफ है। ठीक है और यानी ये जो क्लास इंटरवेल है उसका जो लोअर लिमिट होगा अपना क्या होगा वो एल होगा तो ये 7 अपना क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और 7 10 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है तो अपना क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है तो बहुत ही आसान है। चलो देख जो जो अपने को वैल्यू मिली उसको लिख लेते हैं। सी एफ अपने को कितना मिला सी एफ अपने को मिला 36 मिला और एफ अपना कितना है 40
और एल अपना है 7 और एच है अपना 3, ठीक है। वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को वैल्यू मिल गई, अब क्या करना है, खाली वैल्यू को फॉर्मूला के अंदर रखना है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब खाली क्या करना है, वैल्यू रखो, ठीक है सबकी। तो एल की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। एन बाई टू कितना है, एन बाई टू अपना है 50 माइनस सी एफ कितना है 36 अपॉन में एफ, एफ कितना अपना 40 इंटू एच, एच अपना कितना है, एच है 3, तो 3 लिखो, ठीक है। तो 7 प्लस 50 में से 36 को माइनस करो कितना बचेगा, तो 0, देखो यहाँ पर यानी 0 है तो बाजू से लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, 14 अपॉन में 40 इंटू 3, 7 प्लस 14 का मल्टीप्लाई, 14 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो कितना होगा 42 अपॉन में 40, 7 प्लस, अब इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसमें 7 में प्लस कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं, 40 को बाहर रखो 42 को अंदर, अब 40 वनजा 40, 2 में से 0 गया 2, 0, अब पॉइंट लगा के 0 लो, लेकिन क्या 42 में 20 आता है या नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाओ और एक 0 और लो, ठीक है। तो 45 जा 200, दोनों को माइनस करो 0 0, तो मतलब क्या आ रहा है डिवाइड करने पे 1.05, अब यानी 7 में 1.05 को प्लस करो तो हो जाएगा 8.05, ये अपना क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि एक क्लास है उसके अंदर 30 स्टूडेंट है, ठीक है, उनका वेट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट के कितने कितने वेट है इसको यहाँ पर इस टेबल के अंदर शो किया गया है, ठीक है। और यानी इसी इस टेबल के जो भी अपने को जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू का यूज़ करके अपने को मीडियन वेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 40 से 45 kg हो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। 45 से 50 kg वेट हुए ऐसे कितने स्टूडेंट्स के हैं, 3 स्टूडेंट्स के वेट इतने हैं, ठीक है। 50 से 55 kg वेट हुए ऐसे कितने स्टूडेंट है, 8 है, ठीक है। 50 से 55 से लेके 60 kg वेट हुए ऐसे कितने हैं, 6। 60 से 65 kg वेट हुए ऐसे कितने हैं, 6। 65 से लेके 70 kg वेट हुए ऐसे कितने हैं, 3। 70 से 75 kg वेट हुए ऐसे कितने हैं, 2 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इस डेटा का यूज करके अपने क्या निकालना है, मीडियन वेट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को मीडियम वेट निकालने के लिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो 2 का 2 यहाँ पर लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 2 को प्लस करो तो 5, ठीक है। फिर 8 और 5 को प्लस करो तो 13, ठीक है। 13 और 6 को प्लस करो तो 19, 6 और 19 को प्लस करो तो 25, 3 और 25 को प्लस करो तो 28, 2 और 28 को प्लस करो तो 30। तो यहाँ देखो अपना जो टोटल लेंथ था 30 था, तो यहाँ पर भी 30 आ रहा है, तो अपना यानी ये सब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपना राइट है, ठीक है। अगर नहीं राइट, अगर नहीं सेम नहीं आ रहा तो आपको फिर से करो, ठीक है। चलो तो अब अपने को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया, अब अपने को निकालना है सी एफ, इसमें ढूंढना है सी एफ, ठीक है, और मीडियम क्लास ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मीडियम क्लास ढूंढने क्या करेंगे अपने, सबसे पहले जो अपना एन है उसको हाफ करेंगे, n बाई टू निकालेंगे, तो n बाई टू मतलब 30 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो n बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 15। अब यहाँ पर आपको देखना है इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 15 या 15 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो 15 से ज़्यादा कौन सा है, 19, ठीक है। तो 19 ये अपना क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है, यानी 19 वाला ये पूरा इतना क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। अब यानी मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्या होगा अपना सी एफ होगा, ये अपना सी एफ हो गया, और यानी इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा अपना एफ होगा, और यानी ये 55 अपना क्या होगा, एल होगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अपना क्या होगा, एच होगा, ठीक है। तो जो जो अपने को मिला उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सी एफ अपना कितना है, सी एफ है अपना 13, एफ अपना कितना है 6 है, ठीक है, और एल अपना कितना है 55, और एच है अपना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5 का है, ठीक है। तो अब खाली क्या करना है अपने को, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच,
अब यानी एल की जगह पे एल की वैल्यू रखो, एल कितना है अपना 55 प्लस एन बाई टू कितना है, एन बाई टू अपना 15 है, माइनस सी एफ, सी एफ अपना कितना है 13, एफ अपना 6 है, इंटू एच अपना, एच अपना 5 है, 55 प्लस एन बाई, यहाँ पर यानी 15 तो 2 बचेगा और यहाँ पर 6 इंटू 5, 55, अब यहाँ पर 5 टू जा 10 हो जाएगा और नीचे 6 का 6 रहेगा, तो यानी कन्फ्यूज नहीं होना, नीचे 1 होता है, ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई खाली ऊपर से होगा, नीचे 1 से होगा, ठीक है, नीचे 1 होता है, तो आपका करना है 10 को 6 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 10 और यहाँ पर 6, 6 वन जा 6, ठीक है, तो बचा 4, ठीक है, पॉइंट लेके 0 लो, अब 6 का डबल ऐसा पढ़ो, 40 है, 40 से कम आवे, तो 6 5 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 लेंगे, बचा कितना 4, ठीक है, फिर 6 6 जा 36, ठीक है, तो वही बार बार रिपीट होएगा, ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर वही का वही रिपीट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने 55 प्लस 1.66, ठीक है, तो 1.6 लिखो तब भी चलेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 56.66, ठीक है, ये अपना आ गया मीडियन वेट, ठीक है, 14.3 खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अब मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है।